दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ हमारे मुल्क के ऊपर। जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और इस मुल्क ने बहुत कुछ झेला है। हमने बहुत कुछ पाया भी, हमने बहुत कुछ खोया भी है। जब इस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नेहरू जी थे, उस समय भी यही कहा जाता था, अगर नेहरू जी ना रहे तो मुल्क का क्या बनेगा, मुल्क को कौन संभालेगा। क्योंकि हमें आदत थी अंग्रेज़ों की गुलामी की, मुग़लों की गुलामी की या राजाओं की गुलामी की। हमने लोकतंत्र की आदत ना थी, इसीलिए लोग ऐसी बातें शुरू से करते आए हैं। फिर जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, उस समय भी यही बातें की गई कि अगर इंदिरा गांधी जी ना रहीं, प्राइम मिनिस्टर ना रहीं, तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा। और यही बात जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, उस समय भी यही बातें बोली गई कि अगर वाजपेयी जी ना रहे तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा। और अभी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आए हैं, देश की तरक्की हुई है। विदेशों में, फॉरेन में देश का मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन हमारे देश के अंदर, जहाँ विदेशों में हमारा मान सम्मान बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है, वहाँ हमारे अपने मुल्क में ही हम आपस में एक दूसरे से जो नफरत करते हैं, उसकी हम पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। हमारे अंदर इतनी नफरत भर गई है, चाहे वो मोदी के समर्थक हो, चाहे वो मोदी के विरोधी हो। ये बात एक सच्चाई है कि इस समय मोदी जी का झंडा बुलंद है और हमारे मुल्क में जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, जिनमें कि हमारे कम्युनिस्ट आते हैं, कांग्रेस पार्टी आती है, या शिवसेना भी शायद अभी बीजेपी के खिलाफ है, या कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि मोदी जी के विरोध में, और जो मोदी समर्थक हैं उनके जो बीच की जो झड़प है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है। उसमें बहुत ज़्यादा नफरत और कट्टरता आ चुकी है, जिसके कारण हम एक दूसरे के सोशल साइट पर बहुत ही गंदी गंदी गालियां देते हैं और एक दूसरे को बहुत ही नफरत करते हैं। हमें इस बात को याद रखना चाहिए, नेहरू जी की हुकूमत थी वो भी ना रही, इंदिरा गांधी जी की हुकूमत थी वो भी ना रही, अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी वो भी ना रही, और अब नरेंद्र जी की हुकूमत आई है। हो सकता है, हालांकि हवा तो यही चल रही है कि 2019 में भी मोदी जी ही आएंगे। हो सकता है मोदी जी आए या ना आए, लेकिन हमारे आपके बीच जो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो नफरत की जो हम बीज बो रहे हैं, जो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, जैसा कि केरला या किसी अन्य इलाकों में तो ये जो झड़प है खूनी झड़प में भी बदल चुकी है, या जो गौरक्षा के नाम पर जो कत्लेआम का दौर चल रहा है, या जो जात पात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में नफरत फैल रही है। हो सकता है मोदी जी 2019 के बाद ना आए, पर ये जो नफरत है ना, जो हमने गालियां सीखी हैं, जो हमने एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते हैं, गंदी गंदी भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, ऊपर से जो खूनी झड़प, जो एक कातलों का जो गिरोह बनता जा रहा है। क्योंकि जब भी भीड़ के द्वारा किसी एक का कत्ल होता है, कत्ल तो एक इंसान का होता है, लेकिन जो पूरी की पूरी जो भीड़ होती है ना, वो कातिल बन जाती है, उनके माथे पर एक कातिल का जो है ठप्पा लग जाता है। तो हम जाने अनजाने में अपने अंदर में एक शैतान को पैदा कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम जो हमारी तहजीब थी, जो हमारी सभ्यता थी प्रेम मोहब्बत का, जो हमारी सभ्यता राम कृष्ण की थी, गंगा जमुना की तहजीब थी, जो हमारे पास गुरु नानक, गुरु रविदास जी, गुरु कबीर जी, अन्य सभी सूफी संतों का
जो हमें संदेश था उस संदेश को हम भूल कर हम आपस में नफरत पाल रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि कभी भी सोशल साइट पर, क्योंकि अगर हम आप जागरूक होंगे तो पूरी दुनिया जागरूक होगी, आपस में कोई भी ऐसा नफरत भरा जो मैसेज है एक दूसरे को ना फैलाएं, ना ही बांटें, जिससे हमारे देश की अमन और मोहब्बत खराब हो। मैं एक भारत देश का नागरिक होने के नाते, इंडियन सिटीजन होने के नाते, मैं आपसे सभी मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं कि प्रेम मोहब्बत को कायम करें और नफरत को ना फैलाएं, क्योंकि ये पार्टियां, ये हुकूमत, ये तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो हमने आपस में लड़ाई झगड़े करके, गालियां देकर, एक दूसरे को भद्दे भद्दे जो लफ्ज़ बोलकर जो हमने नफरत पाल ली अपने जहन में, ये कभी नहीं जाएगी। मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों से भी कभी वो मोदी विरोधी गालियाँ होती हैं, या कभी जो मोदी समर्थक हैं उनकी तरफ से गालियाँ होती हैं। ऐसी गालियों से हम क्या सीख रहे हैं? अपने अंदर हम नफ़रत का बीज बो रहे हैं। कृपया इससे बचें और हमारे मुल्क का जैसा नाम रोशन बैरूनी ममालक में, विदेशों में हो रहा है, वैसा ही नाम रोशन हम अपने मुल्क के अंदर भी करें। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है। नमस्कार।